गोवा 2023 सगळे जण तयार असा काय ना बघा फाडसून आवाज येना तयार असा काय ना तयार असा झाला माझ्या बरोबर दोन्ही हात वैर करात आणि माझ्या बरोबर घोषणा द्या भारत माता की वंदे यस वी आर रेडी टू होस्ट नॅशनल गेम्स 2023 आयच्या या लोगो इनॉग्रलच्या कार्यक्रमांक खास करून दिल्ली साकून जे स्पोर्ट्स स्टेट्स मिनिस्टर आमच्या मध्ये आल्यात निशित प्रामाणिक जी आमचे केंद्रीय मंत्री श्रीपाद भाऊजी ज्यांचा एन्थुझियझम ज्यांचा भाषण करीता असताना तुम्ही पळले की लोगोच्या बद्दलच त्यांनी सांगता असताना कशा पद्धतीत लोगो इनॉग्रेट लॉन्चिंग ज्या पद्धतीत केला ते मंत्री बाब गोविंद गावडेजी आमचे टुरिझम मिनिस्टर जे पुढे वचून आम्ही आतापर्यंत फक्त वेगवेगळ्या क्षेत्रातले टुरिझम पळताले मेडिकल टुरिझम पळताले हाज्या फुडे स्पोर्ट्स टुरिझमूय पळतले बाप रोहन खवटेजी आमचे बाकी सगळे आमदार वेगवेगळे हंगासर हजर असतात आणि त्यांच्याच बरोबर आमच्या मध्ये हजर असतात राष्ट्रीय लेवलावले बाकीचे सगळे गव्हर्नमेंट ऑफ इंडियाचे सगळे ऑफिसर्स खेळा क्रीडा खात्यातले ऑफिसर्स खास करून आयओएचे चोबेजी आणि बाकीचे सगळे आप सभी लोगों का भी मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूँ गोयच्या सगळ्या असोसिएशनचे आयच्या या खासा सुवाळ्याक तुम्ही सगळे जण हंगासर जातीन हजर रावले त्याबद्दल तुमचे सगळ्यांचे हांव खरोखरच खूप खूप अभिनंदन करता सगळ्यात पहिल्यात पहिली हांव तोखणाय करता ते स्वागत गीत स्पेशल ज्यांच्यानी बरयले आणि ज्यांच्यानी म्हटले या दोन्ही ग्रुपांचे हांव खूप खूप स्वागत करता नेटान त्यांचेही ताळी वाजून स्वागत करात हांव आमच्या माणकुल्या भुरग्यांक विसरूच शकना ज्यांच्यानी खेलो इंडियात गोयाक राष्ट्रीय पदक मिळवून दिले ते योगा आणि मल्लखांब ह्या राष्ट्रीय लेवलाचेर आमकां व्हरपी आमच्या माणकुल्या भुरग्यांचे नेटान तुम्ही ताळी वाजून स्वागत करचे आजच्या या खासा सुवाळ्याचे आयोजन करपी आमचे क्रीडा खात्याचे सगळे अधिकारी हांचेय बी हांव खरोखरच मनापासून अभिनंदन करता लोगो लॉन्चिंग ज्याने लोगो डिझाईन केलो ज्याने लोगो प्रेझेंट केलो आणि ज्या पद्धतीत म्हणजे लोगोत पुराय गोय म्हणजे गोयचो मॅप गोयची कला गोयची संस्कृती आणि पुराय बाब गोविंद गावडे सांगता असताना दिसताले की पुराय गोयची तोखणाय लोगोतल्यान कशी करतले ही त्याने पुराय लोगो तुमच्या समोर दवरता असताना सांगले हाव लोगो ज्याने डिझाईन केला आणि ज्याने प्रेझेंट केला या सगळ्यांचे नेटान तुम्ही ताळी वाजून स्वागत करचे आणि आयच्यात आम्ही म्हणतात तसं काउंट डाऊन सुरू झाल्लो असा आम्ही सगळे जण नॅशनल गेम होस्ट करपा खातीर आमची तयारी झाली असा पुराय आमचे इन्फ्रास्ट्रक्चर आम्ही रेडी झाले असा ह्युमन रिसोर्स त्या हाती लागता तोय आमचो रेडी झाल्लो असा डे बाय डे एक एक इव्हेंट आम्ही फुडे वचत असा म्हणजे ज्या पद्धतीत 37 नॅशनल गेम्स आम्ही वाट पळताले फाटली 10 वर्सां आयज जातले काय फाल्यां जातले आयज जातले काय फाल्यां जातले बट तो दीस आणि ते वर्स आयल्ले असा आणि आम्ही सगळे जण म्हणजे सातत्यात ही गेम्स बऱ्या पद्धतीत होस्ट करपाक आम्ही सगळे जण हंगासर तयार असतात आणि म्हाका खात्री असा की गोयात आतापर्यंतचे प्रत्येक इव्हेंट आम्ही खूप मोठ्या पद्धतीत इंटरनॅशनल इव्हेंट होस्ट करपा खातीर नॅशनल इव्हेंट होस्ट करपा खातीर सातत्यात गोयचे नाव एक नंबराचेर असा हालीच आम्ही होस्ट केल्यो G20च्यो 8 मिटिंगांपैकी 2 मिटिंग झाल्यो आमकां SOHची मिटींग झाली त्याच्या खातीर एप्रिसिएशन प्रत्येक मिनिस्टरा कडल्यान प्रत्येक गेस्टा कडल्यान आमकां मेळ्ळा आणि त्याच धर्तीचेर म्हाका खात्री आसा की नॅशनल गेमूय बी आमी त्याच पद्दतीत सगळ्यांचे पार्टिसिपेशन आसप गरजेचे आसा गोयातले प्रत्येक खेळा मळावयले असोसिएशन गोयातला प्रत्येक खेळगडी गोयातल्या प्रत्येक डिपार्टमेंटाचे प्रत्येक अधिकारी ह्या नॅशनल गेम्स होस्ट करपा खातीर आपल्या परीत वांटो घेतले आणि नॅशनल गेम्स एक आतापर्यंत जिक्क्यो गेम्स झाल्या ही यादगार नॅशनल गेम्स उरतली हाची निश्चितच म्हणजे जैसे निशिकांत प्रामाणिक जी आपने बताया कि लोगो लॉन्चिंग सेरेमनी आज तक इस तरह का नहीं हुआ था इसीलिए मैं आपको बता रहा हूं कि इससे आगे भी नेशनल गेम्स होस्ट करने में गोवा सरकार और गोवा के लोग कमी नहीं रहेंगे बिल्कुल यादगार नेशनल गेम्स सभी रहेंगे
इस अवसर पर मैं आपको बताना चाहता हूं कि गोवा में हर बार जैसे कि फुटबॉल नहीं बाकी सभी गेम्स खेलने में लोग सबसे पहले जब हमारा इंडिपेंडेंस भी नहीं हुआ था तब से लेके आज तक हमारे सभी लोग फुटबॉल से लेके सभी गेम्स खेलते आ रहे हैं और डेफिनेटली कि यहाँ पे यानी गोवा इंडिपेंडेंस से पहले भी फुटबॉल की गेम्स को होस्ट गोवा ने तभी भी किया था और आज भी कर रहे हैं। नेशनल गेम्स होस्ट करने के लिए पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर हमारे पास रेडी है और मैं खास करके आज मेंशन करना चाहता हूँ कि अर्जुन अवार्डी ब्रह्मानंद शंकवाकर हो, ब्रूनो क्रुतिनो हो और हमारे भक्ति कुलकर्णी हो, गोवा के प्लेयर्स को अभी अर्जुन अवार्ड ऑलरेडी मिल चुके हैं। पद्मश्री भी हमारे ब्रह्मानंद जी यहाँ पे हैं, इनके लिए भी मैं कॉन्ग्रेचुलेट करता हूँ कि गोवा की भूमि इसी तरह से गोवा के हर एक प्लेयर को आगे लेके जाने के लिए गोवा सरकार भी हमेशा के लिए तत्पर है। गोवा के गांव गांव में हमने इस तरह का इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट किया हुआ है कि गोवा का हर एक खिलाड़ी इससे आगे यानी डिफरेंट अवार्ड जो नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पे खेलने के लिए हमेशा आगे रहेगा। डेफिनेटली मैं माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का धन्यवाद देता हूँ जो इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए आज तक उनसे हमें सहकार्य मिला, इस होस्टिंग के लिए हमें उनका सहकार्य मिला और मैं आपसे गोवा सरकार की तरफ से ऑर्गेनाइजिंग में भी आपका और अनुराग जी ठाकुर का हमें सहकार्य रहेगा, यही मैं आशा व्यक्त करता हूँ और डेफिनेटली हम अच्छा होस्ट बोल के इस गेम का होस्टिंग यहाँ पे करेंगे। खेलो इंडिया हो या बाकी सभी गेम्स हो, गोवा ने हर वक्त अपना पार्टिसिपेशन दिया है। मैं बस इतना ही कहना चाहता हूँ, 2014 से लेके आज तक ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने क्लीन इंडिया मिशन से फिट इंडिया मिशन तक स्वस्थ भारत से सशक्त भारत बनाने के लिए जो योगदान दिया है गोवा के युवा भूल नहीं सकते हैं, क्योंकि जितना योगदान ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ने यानी युवकों के लिए दिया, जिस तरह से करियर के बारे में इतना इम्पोर्टेंस देते हैं, खेलों के बारे में भी उतना ही इम्पोर्टेंस ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ने हमेशा के लिए दिया है, इसीलिए तो फिट इंडिया मिशन स्टार्ट किया। आधा घंटा फिटनेस का डोज हमेशा के लिए सभी मिनिस्टर्स और सभी आप लोगों ने बूस्ट किया है और फिट इंडिया मिशन की तरफ से मुझे लगता है कि सभी बच्चे फिट रहने के लिए आगे आने वाले इस अमृत काल में जो हमने फिट इंडिया मिशन शुरू किया है, आगे आने वाले 25 साल में हमारा नेक्स्ट जनरेशन फिट रहने के लिए हमेशा के लिए फिट रहेगा और यही तो बात हम आगे लेके जा रहे हैं। मैं ज्यादा कुछ न कहते हुए, होस्ट की तैयारी तो पूरी हो चुकी है और गोवा सरकार हमेशा के लिए इस तरह के डिफरेंट इवेंट हमेशा के लिए होस्ट करते आया है। आज तक गोवा टूरिज्म एक्टिविटी के लिए जाना जाता था लेकिन अभी स्पोर्ट्स इवेंट ऑर्गेनाइज करने में हमेशा आगे रहा है। आयरनमैन 73 जो इंटरनेशनल इवेंट हम गोवा में होस्ट कर सके और अच्छे से अच्छे आयरनमैन के खिलाड़ी लास्ट 2 साल से गोवा में आ रहे हैं। रिसेंटली वी हैव होस्टेड द वर्ल्ड टेबल टेनिस विच इज ऑल्सो एक्सीलेंटली होस्टेड बाय द गवर्नमेंट ऑफ गोवा इन एसोसिएशन। अनुराग जी ठाकुर इस इवेंट में आए थे, उन्होंने भी वर्ल्ड टेबल टेनिस इवेंट हमें एप्रिसिएशन दिया कि अच्छे सा होस्टिंग, पहली बार पूरे देश में वर्ल्ड टेबल टेनिस के आयोजन कहा हुआ तो वो गोवा में हुआ है। इसीलिए मैं कहता हूँ कि इससे आगे ढेर सारे लोग यानी इस तरह के इंटरनेशनल और नेशनल इवेंट गोवा में होस्ट करना चाहते हैं, उनका मैं वेलकम करता हूँ और उनके लिए जो जो इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए, जो जो सहकार्य हमारी सरकार की तरफ से हर एक डिपार्टमेंट की तरफ से जो सहकार्य चाहिए इस तरह का स्पोर्ट्स इवेंट नेशनल और इंटरनेशनल गोवा में होस्ट करने के लिए, हम हमेशा के लिए उन्हें सहकार्य देंगे। और मैंने जैसे कहा कि गोवा टूरिज्म के लिए जाना जाता है, जो स्पिरिचुअल टूरिज्म के लिए जाना जाएगा, मेडिकल टूरिज्म के लिए जाना जाएगा, इससे आगे स्पोर्ट्स टूरिज्म के लिए भी जाना जाएगा, ये मैं वादा करता हूँ। इसी के साथ मैं ज्यादा न बात करते हुए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि गोवा के हर एक एसोसिएशन इनमें पार्टिसिपेट हुए और इस लोगो लॉन्चिंग से हमें जो ऊर्जा मिली है, हमें जो उत्साह मिला है, मुझे डेफिनेटली मैं कहूंगा कि गोवा का हर एक नौजवान
इज पार्टिसिपेट रहेगा आगे आने वाले नेशनल गेम में। हर एक एसोसिएशन कोशिश करेगा कि हम पार्टिसिपेट करेंगे, हमें मेडल मिले या ना मिले, लेकिन हमारा पार्टिसिपेशन 100% नेशनल गेम्स में रहेगा। इसी बात के साथ हमारा आयोजन 100% सक्सेसफुल रहेंगे, यही मैं वादा करता हूं और मेरी वाणी को विराम देता हूं। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद सर। लेडीज जेंटलमैन, द ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर ऑफ गोवा डॉक्टर प्रमोद सावंत। लेडीज जेंटलमैन।